बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हुनादी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब हरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी हरियत से हूँ जी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे साथ थोड़ा अजीब सा सीन बना है। तकरीबन दिन एक डेढ़ का टाइम है तो हमारे घर आ गया मेहमान। तो अभी मैं चिकन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सलाद की चीज़ें भी रात को ख़त्म हो गई हैं, योगर्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने साथ खड़े खड़े लहसुन छीला है और प्याज जो है मैं ब्राउन करके रख जाऊँ और जाके मैं चिकन वगैरह ले आऊँ ताकि मैं कुछ बना सकूँ। तो अभी आँच मैंने तेज़ की हुई है और मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। बेटी मेरी सोई हुई है और बाकी तकरीबन जो है ना बेटा खेल रहा है तो इसलिए। और दूसरा ये है कि अभी बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये इसलिए पड़े हुए हैं कि टैंकी के पाइप में कोई मसला बन गया हुआ था तो वो पानी नहीं थी चढ़ा रही। सुबह से तकरीबन मेरे मियाँ और उनके कज़न हैं वो लगे रहे हैं नहीं, तो अभी फिर ठीक करने वाला लेके आए हैं प्लम्बर, तो उनसे ठीक करवाई है तो तब उसने पानी चढ़ाना शुरू किया है। अभी फिर मैं अब जल्दी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म करूँगी ताकि ये प्याज जो है वो मैं ब्राउन कर रही हूँ, इनको ब्राउन करके मैं रख के चली जाऊँगी और जाके बाहर से चिकन वगैरह लाऊँगी क्योंकि वो तो मेहमानों के पास है और दूसरा कोई काम भी करवा रहे हैं तो उस वजह से फिर साथ साथ दोनों काम लगे हुए हैं। तो बर्तनों का तो वो ढेर लगा हुआ है और ये मैंने दस्तरखान भी रात को डुबोए थे कि सुबह उठ के धो लूँगी, मगर ना जी वो सुबह किस नाम की उठी हूँ तो मोटर पानी नहीं थी चढ़ा रही। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ाने शुरू कर दिया, अभी मैं काम कर रही हूँ जी। मेहमान हो तो ऐसा, मैंने ये प्याज जो है फ्राई करके रख ली है तो वो मेरे मियाँ को कह रहे हैं नहीं जी मैं चिकन नहीं खाऊँगा, बाहर से आप बाज़ार से चने की एक प्लेट ले आएँ क्या घर बनाएँगे। तो मेरे मियाँ कहते हैं कि मैं ले आता हूँ, घर में मैंने रात को माश की दाल बनाई थी तो मैं उसको ज़्यादा तड़का लगा लेती हूँ, चले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। अभी मैं यहाँ पर दाल जो है उसको गर्म कर रही हूँ थोड़ी सी थी, तो मैं तो अक्सर दिन को खाना खाती नहीं हूँ, गर्मी में वैसे भी नहीं दिल करता, मैं क्या चलो इसको भी साथ गर्म कर लेती हूँ और साथ में सलाद वगैरह बना लेती हूँ और साथ साथ ही काम ख़त्म करूँ। दाल तो वो चने तो नहीं मिले, फिर ये दाल मिली है ना, साथ मैंने सलाद बनाया, चटनी बनाई है, तो बच्चे भी उधर चले गए हैं, ये कुछ बचा हुआ है ये अलग से। और मैं कब ज़रा शलफ का फिर खुलिया सीधा करना शुरू कर दूँ। अभी दूध गर्म करना है और साथ साथ ये दूध मैंने फ्रीज़र किया हुआ था वो निकाला, एक पैकेट जमा हुआ है उसको ये मैं निकाल के रख रही हूँ। सना ने ये मेरे से कोकम्बल लिया था, मैंने खाना है तो खाई, कोई नहीं इधर ही रख गई है, इसी तरह ये करती है, खाती पीती कम है, हंगामा ज़्यादा खड़ा कर देती है। इन्होंने खा लिए, अभी मैं ये बर्तन रख के लिए वो संभाल लूँ और साथ में बर्तन धो लूँ। अब चाय का कह रहे हैं मगर दूध अभी तक मेल्ट हो गया, मैं दूध भी गर्म करती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। साथ मैंने चाय रखी है, साथ दूध गर्म कर रही हूँ, इतनी गर्मी में मैंने तो चाय छोड़ी हुई है मगर इनके फ्रेंड्स के लिए बनानी पड़ गई है, मैं कह चलो मैं बना लूँ और साथ साथ चीज़ें मैं संभालती रहूँ, वो भी काम हो जाएंगे ये भी हो जाए। मैंने सारा साफ़ कर दिया और अभी ये दोबारा चाय के कप आ गया, अब मैं लौकी छीलने लगी हूँ, मैंने कहा साथ ही अंडी बना लेती हूँ फिर कोई और काम करती हूँ। आज तो सारा दिन बर्तन ही दो दो के बर्तन ही ख़त्म नहीं हो रहे। साथ ही मैंने अंडी पकाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं क्या किचन का एक दफ़ा काम ख़त्म कर लूँ, आज सुबह से किचन में ही हूँ। और लौकी को मैंने ना कद्दूकस कर लिया ताकि जल्दी पक जाएगा, गर्मी से बुरा हाल हुआ हुआ है, धूप भी इतनी तेज़ है बाहर, मगर मैं क्या ये रात के लिए बना के रख दूँ ना, टेंशन फ्री हो जाऊँगी कि जी अभी ही रहता है कुछ। तो आंडी बन गई है, लौकी मैंने बनाई है, इसको मैंने चूल्हे को कर दिया है बंद और इसमें से मैंने ये मेहमानों के लिए निकाला था, खुद हम हॉट पॉट यूज़ करते हैं तो इसमें से रोटियां दो तीन बची थी वो भी मैंने निकाल दी हैं, बाकी वो दो कप हैं उनको बाद में धो लूँगी। और अभी जो है बाकी छोटा मोटा करूँगी, वो उठाओ ये सारी सेटिंग करूँगी, तो सेटिंग करने के बाद फिर शाम होगी है, बच्चों के लिए रोटी बनाऊँगी, इनको रोटी दूँगी। ये कूलर रखा था मगर कूलर ख़राब है, ये मेरी फ्रेंड के घर पड़ा हुआ था तो हम उठा लाए हैं मगर ये ना ख़राब है, नहीं चल रहा, इसको भी बाहर निकालना है। दाऊद ये कूलर हमने बाहर निकालना है,
बाकी लगी हुई है, क्या कहते हैं, फिटिंग हो रही है सोलर की। लाइट ने यकीन माने बहुत तंग की, अभी भी 6 से 7 बजे तक लाइट नहीं थी। ये बैटरी वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर रख ली है। तो इसी तरह बाकी सारा काम। अच्छा चाचू के लिए मैं पानी देती हूँ और आप आओ नीचे रोटी खा लो। अब सनी जो है ना वो नीचे आई है, मेरा दिल है ये रोटी खा ले। अच्छा ठीक है, और मेरा आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा आज का ये किधर आप चढ़ गए हो व्लॉग पसंद आए तो कल नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फी मानिल्लाह। पानी ले लो आप चाचू के लिए ना, ग्लास ले लो उधर से।